नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पटना हाई कोर्ट में आज कुछ अप्रत्याशित हुआ। बात बाहर आ गई थी लेकिन बाहर आने नहीं दी गई उसे। जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को 24 घंटे के भीतर 11 जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया। जस्टिस राकेश कुमार से इस वक्त सारा काम ले लिया गया है, वो किसी केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस फैसले में ऐसा क्या था कि सुबह सुबह 11 जजों की बैठक हुई और पूरे फैसले को निरस्त कर दिया गया। जस्टिस राकेश कुमार पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया की अग्रिम जमानत के मामले में सुनवाई कर रहे थे। 23 मार्च 2018 को हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी। रमैया ने समय से पहले रिटायरमेंट की अर्जी दी थी और उन्हें पता था कि रिटायरमेंट की अर्जी मंजूर हो गई है। तब भी उन्होंने 2.5 करोड़ से अधिक की राशि के दो अलग अलग चेक जारी किए, ये फैसले में आरोप के संदर्भ में लिखा है। इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस राकेश कुमार ने लिखा अपने फैसले में कि बेशक जमानत देना या ना देना कोर्ट का विवेकाधिकार है, लेकिन आप जिस तरह से इस आरोपी को जमानत दी गई है वह न्यायपालिका पर सवाल उठाता है। यह कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए अधिकृत है कि जमानत न्यायिक विवेक के आधार पर दिया गया है या बाहरी दबाव के आधार पर। मेरी राय में इस मामले की जांच होनी चाहिए और जांच पटना के जिला जज को करनी चाहिए। सवाल था कि क्या बेल के समय नियमित बेंच छुट्टी पर थी, अखबारों में ऐसी रिपोर्ट छपी है, वो सही है या नहीं। अगर नियमित बेंच की जगह जो बेंच बैठी थी उस जज के पिछले 6 महीने के फैसलों की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के द्वारा जमानत रद्द करने पर आरोपी कई महीने तक अदालत में नहीं आया, इसके बाद भी इस मामले में उसे जमानत दी गई। यह भी पता किया जाए कि स्पेशल जज छुट्टी पर अन्य कारणों से तो नहीं गए थे। ये सब जस्टिस राकेश अपने फैसले में लिख रहे हैं, यानी न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार के नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। जस्टिस राकेश ने 15वें पैराग्राफ में लिखा है कि न्यायपालिका के सम्मान को बचाने के लिए भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, वरना पूरे समाज का विश्वास हिल जाएगा। इस फैसले में जस्टिस राकेश कुमार ने न्यायपालिका के भीतर पैसे लेकर कुछ मामलों का भी जिक्र किया है। 20 पन्नों के इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को बचाने के उदाहरण हैं। आरोप लगने और सही पाए जाने के बाद भी विभाग द्वारा बचाया गया है। हमने सारा फैसला नहीं पढ़ा है, ना ही हम फैसले की सारी बातों को बता रहे हैं। फिर भी वो लिखते हैं कि सामान्य तौर पर मैं ऐसे आदेश पास नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस कोर्ट में चीजें सही संदर्भ में नहीं चल रही हैं। इस कोर्ट का मतलब पटना हाई कोर्ट। मैंने 25 दिसंबर 2009 को न्याय करने की शपथ ली थी और अगर मैं भ्रष्टाचार के मामले में कदम उठाने में नाकाम होता हूं तो खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। एक जगह वो ये भी लिखते हैं कि यह सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने चारा घोटाले की सुनवाई के दौरान अपनी पत्नी को राज्यसभा की सदस्यता दिला दी। जब मैं जज बना तो देखा कि वरिष्ठ जज चीफ जस्टिस की खुशामद करने में लगे हैं। मैं सोचता था कि सीनियर जज को ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये सब अपने पसंद के या जाति के लोगों को जज बनाने के लिए क्या सब किया जा रहा है कर रहे हैं, या किसी भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी को बचाने के लिए। इसके बाद चीफ जस्टिस के आदेश से जस्टिस राकेश कुमार से सारे मामले ले लिए गए। सुबह सुबह नोटिस जारी कर दिया गया और फिर 11 जजों की बेंच ने फैसला किया कि जस्टिस राकेश कुमार का फैसला निरस्त समझा जाए। जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माननीय जस्टिस राकेश कुमार के सामने जितने भी मामले लंबित हैं तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं। मनीष कुमार की टिप्पणी। रवि, पटना उच्च न्यायालय में जो कुछ भी हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड रहा, क्योंकि आज के पहले कभी किसी ने किसी एक सीनियर मोस्ट जज के कलम से या उनके मुंह से अपने ही जुडिशरी के बारे में या अपने फेलो जजेस के बारे में कभी भी ऐसी बातें, अप्रिय बातें नहीं सुनी। हालांकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बातें अलिखित होती थी या जो बातें गॉसिप का एक तरह से विषय वस्तु होती थी उसको उन्होंने एक तरह से पब्लिक डोमेन में ला दिया। और मैं आपको बता दूं कि 11 बेंच की जज जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में आज बैठी, यह भी एक तरह से आज के पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। हालांकि लॉ पॉइंट पे हो सकता है कि जो
लॉ के जानकार हैं उनका कहना है कि राकेश कुमार ने अपने ब्रीफ को एक्सीड किया हो, बहुत सारी बातें उन्हें जजमेंट में नहीं लिखनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लिखी हो, लेकिन जहां तक परसेप्शन का सवाल है, निश्चित रूप से राकेश कुमार की अपनी जो छवि रही है, वो सीबीआई के एक ज़माने में स्टैंडिंग काउंसिल रहते थे और उनकी छवि काफ़ी तेज़ तर्रार वकील के रूप में और जज के रूप में भी वो उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि पब्लिक इमेज जो रहा है, जो उनके जजमेंट के कारण या उनके अपने पब्लिक बिहेवियर के कारण लोग उन्हें काफ़ी ईमानदार और विवादों से दूर मानते रहे हैं और इसी के कारण जो है भले ही उनके जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ भी उन्होंने 20 पेज में जो राकेश कुमार का जो जजमेंट है वो निश्चित रूप से एक तरह से समाज में वाद विवाद का एक विषय रहेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई वकील जो है इसी फैसले को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे, क्योंकि उन्होंने 2-3 बड़े मुद्दे उठाए हैं अपने जुडिशियरी के बारे में कि एक व्यक्ति, एक आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहा है, जिसकी अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खारिज करती है, उसे एक वेकेशन जज कैसे उसे बेल दे देता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक स्ट्रिंग का जिक्र किया है कि जिस स्ट्रिंग में खुद जो कोर्ट के कर्मचारी फंसे थे और 2 साल होने को आए, लेकिन आज तक कोई ना FIR हुआ, ना कोई सस्पेंशन के अलावा कोई और कार्रवाई हुई। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको दबाना जो है वो आसान नहीं होगा। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सा मुद्दा था और क्यों आखिर इस तरीके से सुनवाई हुई और इसका जो जुडिशरी के अंदर में जो कुछ भी मुद्दे राकेश कुमार ने अपने फैसले में उठाए हैं वो असल मुद्दे हैं क्या, उसकी सच्चाई क्या है। वैसे अदालत के भीतर कोई जज बैठकर यह सब देख रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, कहीं तो वो बात अपनी उठाएगा। एक तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की तरह बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, और एक तरीका यह भी है कि फैसले पर लिख दे। लेकिन सोचिए कि इन बातों में, उनके 20 पन्ने के फैसले में बहुत सारी बातें नाम लेकर, घटनाक्रम और प्रक्रिया के साथ लिखी हुई हैं, फिर भी उसे निरस्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। चिंता करने की बात नहीं है, भारत विश्वगुरु बन चुका है। जो सवाल उठाए हैं उन पर चिंता चर्चा करके आप कुछ हासिल तो होगा नहीं। पटना हाई कोर्ट कवर करने वालों को याद नहीं आ रहा कि हाल फिलहाल में कब फैसला इस तरह से 11 जजों की बेंच बिठाकर किसी जज का सहयोगी जज का फैसला पलटा गया और जो सवाल उठाए गए थे उन सवालों को हमेशा हमेशा के लिए नींद की गोली दे दी गई। माननीय सिंगल जज ने एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन KP रमैया ने कुछ आदेश पारित किया था, उस आदेश के बारे में आज दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी। उस खबर पर संज्ञान लेते हुए माननीय चीफ जस्टिस ने 11 जजेस का बेंच किया था, क्योंकि पेपर में जो रिपोर्ट था इसके अनुसार था कि माननीय सिंगल जज ने हाईकोर्ट के जुडिशियरी पर कड़ी टिप्पणी की, आक्षेप लगाया था, तो 11 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और बेंच ने सुनवाई की। इस बीच में वो आदेश भी अपलोड हो गया। आदेश को देखने के बाद 11 जजेस ने उस आदेश पर कड़ी टिप्पणी, चिंता व्यक्त की, नाराजगी व्यक्त की और अंत में उस आदेश को सस्पेंड कर दिया। डायरेक्शन दिया कि इस आदेश का कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। कैसे स्टे हुआ कि आगे भी चलेगा? नहीं, आज के दिन वो जजमेंट सस्पेंड हो गया है, मतलब स्टे ही समझिए, स्टे हो गया और अभी फिर बाद में अपना क्या होगा बाद में किया जा सकता है। ये आदेश जो है ये पूरे जुडिशियरी का इमेज को लोअर डाउन किया है और जजेज को के प्रेस्टीज को लोअर डाउन किया है और ये काल्पनिक आधार पर ये ऑर्डर पास किया गया है, अपना पर्सनल प्रिजुडिस के आधार पर फाइल किया गया है। कोई लॉ का नॉर्म नहीं फाइल फॉलो किया गया है, ना नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है और ऑर्डर भी विदाउट जुरिडिक्शन है। जब केस एक डिस्पोजल हो गया बहुत पहले 2018 के बिगनिंग में, डिस्पोजल केस के बाद तो उस जज को कोई अधिकार नहीं होता है उस केस में ऑर्डर पास करने के लिए, जज फंक्टस ऑफिसियो हो जाता है। इसको भी फुल बेंच ने लिखा, जो स्पेशल बेंच 11 जज का बना उसमें यह भी निर्णय हुआ
कि जज को कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं था उस फाइल को मंगा के डिस्पोजल केस पे ऑर्डर पास करने का, और उनको यह भी कोई अधिकार नहीं था कि बिना किसी को सुने और पूरे जुडिशरी को, पूरे ऐसे माननीय जजे जो अब दुनिया में नहीं है, ऑर्डर से लगता है कि उन पर भी स्पर्शन किया गया है, उनका प्रेस्टीज गिराया गया है। इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए माननीय न्यायाधीश सिंगल जज का ऑर्डर को स्पेशल बेंच ने स्थगित कर दिया। अब वो स्थगित माना जाएगा। ये काम बहुत अच्छा किया फुल बेंच ने, स्पेशल बेंच ने। कम से कम जो जुडिशियरी की गिरती हुई साख थी सिंगल जज श्री राकेश कुमार जी के आदेश के अनुसार, कम से कम टू ए लार्ज एक्सटेंट इट इज सेव्ड। क्या ये डायलॉग जॉली एलएलबी फिल्म का है कि कानून अंधा होता है, जज नहीं, उससे सब दिखता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि 1869 में लियो टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस पूरी की। 2019 में भारत में इस किताब को लेकर वॉर जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन पीस जैसी भी नहीं है। पहले इस मामले को समझ लेते हैं कि संदर्भ क्या है। क्या मीडिया ने हड़बड़ी में रिपोर्टिंग कर दी और सोशल मीडिया में लोग अति सक्रिय हो गए? मुंबई हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार एक आरोपी वी गुंजालविस की यह जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसकी सुनवाई जस्टिस सारंग कोतवाल कर रहे थे। पुणे पुलिस उनकी जमानत का विरोध कर रही थी, जिसने गुंजालविस को पिछले साल अगस्त में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गुंजालविस के खिलाफ CD और कुछ किताबें पेश की और कहा कि उनके घर से बरामदगी हुई है वो गंभीर है। जो भी जब्ती हुई है उसकी एक सूची पेश की गई, जिसमें कई चीज़ें थी। मार्क्सिस्ट आर्काइव की CD, कबीर कला मंच की CD जिसका टाइटल है राज्य दमन विरोधी, और कुछ किताबें। सुधा भारद्वाज के वकील युगमोहित चौधरी ने कहा कि उस सूची में लियो टॉलस्टॉय की किताब वॉर एंड पीस है ही नहीं, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट बन गई कि जस्टिस सारंग कोतवाल ने वॉर एंड पीस से संबंधित टिप्पणी की है और पूछा है कि दूसरे देश के युद्ध से संबंधित किताब क्यों है, वो कोर्ट को बताना होगा। युगमोहित चौधरी ने ये बातें बताई है और उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि वॉर एंड पीस इन जंगल महल की बात हो रही थी, ये अलग किताब है। PTI अगर आप हाफ पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बेहतर तरीके से लिखा हुआ है कि गुंजालविस के वकील मिहिर देसाई और जस्टिस सारंग कोतवाल दोनों ने कहा है कि किताब रखने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता है। इस बहस में जो उल्लेख करने वाली बात है या बहस करने वाली बात है वह पुणे पुलिस यानी सरकारी वकील अरुणा पाई की दलील। अरुणा पाई ने कहा कि एक साल पहले गुंजालविस के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से अभी तक कुछ भी गंभीर नहीं मिला है, लेकिन उनके घर से कुछ CD और किताबें मिली हैं जिनके टाइटल आपत्तिजनक हैं। जस्टिस कोतवाल ने कहा कि पुणे पुलिस को भी संतुष्ट करना होगा कि यह क्यों गंभीर है जो बताने में वो अभी तक फेल हुई है। तो लियो टॉलस्टॉय की किताब वॉर एंड पीस का जिक्र नहीं हो रहा था। विश्वजीत रॉय के संपादन में छपी किताब वॉर एंड पीस इन जंगल महल पीपल स्टेट एंड माओइस्ट का जिक्र हो रहा था। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर और बांकुरा को मिलाकर जंगल महल कहा जाता है। जो बहस करने लायक है वो ये कि क्या घर में रखी किताबें आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं, उनके टाइटल क्या आपको आतंक जैसे मामले में पकड़ने के लिए बने कानून की गिरफ्त में डाल सकते हैं। आदमी तो छोड़िए, क्या पता एक दिन लाइब्रेरी भी आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी घोषित हो जाए, क्योंकि वहां ऐसी किताबें हो सकती हैं जिनकी टाइटल किसी को राज्य विरोधी लग सकते हैं। ऐसे लोग जो आतंकवाद पर रिसर्च करते हैं वो अपनी किताबों के टाइटल काटकर वहां से मिटाकर अभी से वहां सामाजिक प्रश्नावली लिख दें या फिर वहां पर प्रातः व्यायाम के 30 फायदे लिख दें। ऐसे सबूतों के आधार पर किसी को भी सालों जेल में टहलाया जा सकता है और इस पर बहस करने की जरूरत है। अगर आपको आज के समय में कोई किताब पढ़नी है तो जॉर्ज ऑरवेल की 1984 जरूर पढ़िए समय निकालकर छुट्टी लेकर, या फिर हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड पढ़िए। दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो समय को बेहतर तरीके से समझेंगे। वॉर एंड पीस का हिंदी अनुवाद अब जिक्र आ गया तो बता दें, लेकिन 2100 पन्नों का है और 3 खंडों में छपा है। लियो टॉलस्टॉय ने इसे 1865 से लिखना शुरू किया। टॉलस्टॉय खुद इसे नॉवेल नहीं मानते थे, उपन्यास नहीं मानते थे, महाकाव्य भी नहीं कहा और इतिहास तो बिल्कुल नहीं माना। 2016 में गार्डियन अखबार में फिलिप हेनशेर ने लिखा है कि अगर आपने वॉर एंड पीस नहीं पढ़ी है तो इसे 10 कारणों से पढ़नी चाहिए आपको। इस उपन्यास के पात्र अपने अनुभवों के आधार पर लगातार बदलते रहते हैं। यह कोई फिल्मी हीरो हीरोइन की किताब नहीं है। किताब आपको समझाना चाहती है कि लोग जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। किताब ऐसे पात्रों को भी समझने और उनसे सहानुभूति रखने का सलीका सिखाती है जिनसे आप सहमत नहीं होते हैं।
आज इसकी बहुत जरूरत है। यह किताब किसी भी किरदार के लिए शर्मिंदा नहीं है और ना ही किसी एक को सही ठहराने का प्रयास करती है। आप इसे पढ़ने के दौरान देखते हैं कि एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग नजर से देखते हैं। इसमें मानवीय स्थिति को समझने का प्रयास है। जो पात्र शुरू में अच्छे लगते हैं वो बाद में मायूस कर जाते हैं और जो शुरू में खराब लगते हैं वो बाद में अच्छे लगने लगते हैं। फिलिप हेनशेर की बात को पढ़ते हुए लग रहा था कि आज के माहौल के बारे में लिख रहे हैं, जहां हर बात को शत्रुता के खांचे में रखकर देखा जाता है। इस नॉवेल को, उपन्यास को 10 दिनों के भीतर भी पढ़ा जा सकता है और बोल के पढ़े तो कई घंटे लग जाते हैं पढ़ने में, और पुलिस के अलावा पत्रकार भी पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ी है। हेनशेर की टिप्पणी ज़्यादा अच्छी लगी कि यह किताब आपसे बहस करेगी, आप इससे बहस करेंगे, मगर एकमत होने के लिए यह आसान रास्ते नहीं अपनाएगी। देखिए, टॉल्स्टॉय का जो वार एंड पीस है, हम बहुत सारे हिंदी वालों के लिए युद्ध और शांति, क्योंकि बहुत पुराना उपन्यास राधुगा प्रकाशन से सबसे पहले हिंदी में जब छप कर आया था तो हम लोगों के लिए बड़ी उत्सुकता का विषय था। हम लोग इसके बारे में पढ़ा करते थे और वाकई टॉल्स्टॉय ने एक ऐसा महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखा जिसमें आप समझिए कि जितना तत्काल था, जितना समकाल था, उतना ही एक वैश्विक दृष्टि भी थी, उतनी ही उसकी शाश्वत उपस्थिति भी थी। टॉल्स्टॉय उस दौर में नेपोलियन के युद्ध के बाद जो रूस का समाज था, उसका जो कुलीन समाज था, उसकी कहानी कह रहे हैं। उसके किरदारों के जो द्वंद्व हैं, उनके आपसी संबंध हैं, और उसी समाज के भीतर जो युद्ध और शांति को लेकर असमंजस है, उन सब की कहानी वो इतने करीने से कहते हैं कि वो एक समाज, एक काल की कहानी नहीं रह जाती है, वो देशों और भाषाओं के आर पार फैल जाती है। दिलचस्प ये है कि टॉल्स्टॉय कम्युनिस्ट नहीं थे कहीं से, और जब 1917 में रूस में क्रांति हुई और लगा कि सारा कुछ, सारा पुराना मूल्यबोध पलट के रख दिया जाएगा, तब लेनिन ने टॉल्स्टॉय का सम्मान किया। एक बात कहते हैं अक्सर कि लेनिन को 2 जार का सामना करना था। एक जार को तो उसने परास्त कर दिया, दूसरा जार लियो टॉल्स्टॉय थे जो रूस की जनता के दिलों पर राज करते थे। लेनिन को बात समझ में आती थी कि वो कम्युनिस्ट भले न हों लेकिन रूस की आत्मा है। उन्होंने अपने कॉमरेड से कहा कि आप इसका सम्मान करना सीखिए, आप टॉल्स्टॉय को सम्मान दीजिए। लेनिन ने शायद 5 लेख टॉल्स्टॉय पे लिखे। एक बात तो ये है, इससे हम समझ पाते हैं कि जो बड़ा साहित्य होता है कैसे वो विचारधाराओं की बाड़ेबंदी के पार जाके एक बड़ा मूल्य रचता है। एक दूसरी बात ये, हमारे लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्प है, गांधी और टॉल्स्टॉय के बीच का संबंध। गांधी जी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में अपना जो बड़ा प्रयोग किया आश्रम का, उसका नाम टॉल्स्टॉय फाउंड रखा। गांधी जी टॉल्स्टॉय की आध्यात्मिक नैतिक वैचारिकता से बहुत प्रभावित थे और उनके बीच इस सिलसिले में पत्राचार भी होता है। वो पाते हैं कि धर्म और ईश्वर उनके भीतर है, ये कल्पना ईसाइयत की कहीं गांधी जी के भीतर भी है। हालांकि एक मुद्दे पे दोनों के बीच असहमति दिखती है। गांधी जी, अच्छा ये भी बता दूं कि गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है टॉल्स्टॉय को, उसमें उन्होंने लिखा है अंत उसका कि आपका आज्ञाकारी सेवक, योर ओबीडियंट सर्वेंट, ये लाइन है। और टॉल्स्टॉय उनको बड़े भाई की तरह लिख रहे हैं, टॉल्स्टॉय गांधी से बड़े थे। तो टॉल्स्टॉय के बारे में गांधी के विचार जो है बहुत बड़े हैं, और दोनों के बीच असहमति का जो वाकया मैं बता रहा था वो ये था कि टॉल्स्टॉय ने पुनर्जन्म को लेकर सवाल खड़े किए हैं अपने संदेश में जो भारत के लिए है। गांधी उसको फैलाना चाहते हैं, वो टॉल्स्टॉय से कहते हैं कि मैं आपको सहमत होने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये करोड़ों भारतीयों की आस्था का सवाल है, इससे उनको थोड़ी राहत मिलती है, तो क्या हम इसको हटा दें? टॉल्स्टॉय ने कहा हम इसको हटाएंगे नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको हटा सकते हैं। तो ये जो है कि आप एक दूसरे की सहमति का सम्मान रखते हुए भी एक दूसरे के लिए जगह निकालें, ये चीज़ टॉल्स्टॉय को बनाती है। वार एंड पीस पर लौटते हैं। टॉल्स्टॉय खुद असमंजस में थे कि वे इसको क्या कहें। वो कई बार इसको उस उपन्यास कहते हुए कुछ हिचकते थे। वो कहते थे कि कविता जैसी है, लेकिन कविता कहते हुए भी हिचकते थे कि ये इतिहास का वृत्तांत है। दरअसल कोई भी बड़ी रचना अपने माध्यमों के पार भी चली जाती है।
टॉल्स्टॉय के बारे में कहते हैं कि वो मानते थे कि अन्ना करेनिना ही उनका बड़ा उपन्यास है, जो वाकई है, अन्ना करेनिना रिजरेक्शन, जो उसको हम हिंदी में पुनरुत्थान के नाम से पढ़ते हैं, और वार एंड पीस, ये ऐसी रचनाएं हैं जो दुनिया की अनमोल थाती हैं। और वार एंड पीस तो तमाम भाषाओं, तमाम विधाओं के आर पार जाती एक ऐसी कृति है जिसको पढ़ते हुए, जिससे गुजरते हुए हम मनुष्यता के पाठ भी सीखते हैं और सभ्यता के भी। किताब ज़रूर पढ़िए, लेकिन सोचिए कि पुलिस किस किस तरह के सबूत पेश करती है। और इस सूची में मार्क्सिस्ट आर्काइव का भी जिक्र है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में और भारत में भी मार्क्सवाद पढ़ाया जाता है। पत्रकार प्रकाश रे ने इसके बारे में बताया कि यह एक वेबसाइट है जिसका पता है marxist.org। यहाँ पर सैकड़ों लेखकों के लेख और किताबें आप पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन है। इस साइट को अमेरिका में नॉन प्रॉफिट के रूप में रजिस्टर किया गया है। 1990 में एक व्यक्ति ने इसे बनाया, जिसमें अब कई देश के लोग इससे जुड़े हैं, इस पर लिखते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भी इसे अपनी आर्काइव में शामिल किया है। और इस साइट पर उपलब्ध हर सामग्री क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत है, यानी आप इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा ये सीडी किताब के माध्यम से भी सामग्री देने की कोशिश करती है, और ये सबूत के तौर पर पेश की गई है। न्यायिक प्रक्रिया में जांच और सबूतों के साथ व्यवहार को लेकर व्यापक बहस हो सकती थी, मगर अब जल्दबाजी में हेन तेन हो गया। न्यायालय की हालत क्या है उसके बारे में भी देखिए। हम पुलिस सिस्टम की सड़न पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही न्यायपालिका के भीतर की सड़न पर। जोगिंदर और चंद्रावती इतने हताश हो गए कि थाने के बाहर जाकर आग लगा ली। उनके गांव का सत्यपाल कई दिनों से मारपीट कर रहा था, पत्नी को छेड़ रहा था। एक महीने तक जोगिंदर पुलिस के पास दौड़ा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। सोचिए, सारा सिस्टम किसके लिए है? कोई यूं ही आग लगाने का फैसला नहीं कर लेता। दोनों की हालत गंभीर है और दिल्ली में इलाज चल रहा है। आम लोग इसी तरह से अपनी परेशानियों में जल रहे हैं या फिर खुद को जला रहे हैं। घटना मथुरा की है। सत्यपाल ने शराब पीकर मारा पीटा, फिर भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मामले की हमेशा की तरह जांच होगी और फिलहाल 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन हमारे बोधे लोगों के लिए, जो वास्तविक बोध है, और बोधे लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। आज ये हाथ देके क्यों मरता, इसकी सुनवाई नहीं हुई। आज 20-25 ना हो गए और थन्नोके का इतना आतंक है कि कोई भी बस्ती वाला कोई खुश नहीं होगा आत्माओं से अतकाए, किसी भी जात का हो, किसी बिरादरी का हो। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की अभी तक गायब है, लेकिन पुलिस ने चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लड़की के पिता पूछताछ भी नहीं की है। लड़की के पिता का आरोप है कि तहरीर में रेप का आरोप लगाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया रेप का। जब यह मामला प्रकाश में आया तो कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि अदालत स्वतः संज्ञान ले ले, कहीं उन्नाव जैसी घटना ना हो जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पास जाएं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को देखेंगे। लड़की का पता नहीं चल रहा है। रक्षाबंधन के दिन उसने अपनी माँ से कहा था कि अगर मेरा फोन लंबे समय तक बंद रहे तो समझ लेना किसी समस्या में हूँ। वह तभी बंद होता है जब उसके हाथ में नहीं होता है। उधर इन विवादों के बीच चिन्मयानंद हरिद्वार के अपने आश्रम में है। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब यही मिला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, परेशान ना करें। चिन्मयानंद पर पहले भी एक और लड़की ने दुराचार का केस लिखवाया था। सरकार ने उसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। उनका प्रभाव का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुलिस से लड़की के पिता ने दुराचार की बात कही, मगर मामला दर्ज नहीं हुआ। चिन्मयानंद के 4 आश्रम हैं, 5 कॉलेज भी हैं, इस बीच वो सन्यासी भी हैं। SSIMB कॉलेज है, SS लॉ कॉलेज है, देवी संपदा इंटर कॉलेज है, BTC BEd कॉलेज है। कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि लड़की के गायब होने की खबर मीडिया से पता चली है, कॉलेज में सब कुछ सामान्य है। अब आते हैं नौकरी पे। वैसे बैंक वाले बहुत रोज़ लिखते हैं कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और वो 20,000 पर ज्वाइन किए थे, 3-4 साल के बाद भी 20,000 है। हम उनकी स्थिति समझते हैं। बस वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दें, नैतिक बल का विकास करें, तभी कुछ प्रगति हो सकती है। हम ये जानते हैं। आजकल नौकरियां जाने से बहुत सारे मैसेज आते हैं, खासकर होटल इंडस्ट्री के लोग बहुत लिखते हैं कि हम हनुमान जी तो हैं नहीं कि सब जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन पता नहीं सरकारी दावों में तो ये सब कोरी कल्पना नजर आती। सब ठीक है, वहाँ पर इंडिया ऑलरेडी विश्वगुरु बन गया है, फिर भी नौकरी तो नौकरी है, किसी की ना जाए ये अच्छा है। कर्नाटक के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग MSME जगत के संगठन के अध्यक्ष आर राजू ने कहा है कि मंदी डर नहीं बल्कि हकीकत है। अगर कुछ नहीं किया गया जल्दी तो 30 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। निहाल किदवई गारमेंट सेक्टर बेंगलुरु में जहां अड्डा है वहां गए थे। वहां उन्हें लोगों ने बताया कि 70% धंधे में मंदा है, 7 दिन की जगह 4 या 5 दिन ही काम हो रहा है। बाकी ब्रेक के बाद।
नदियों की सफाई के नाम पर अरबों रुपए पानी में बह गए लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। मौजूदा सरकार ने 2015 में नमामि गंगे के तहत 20,000 करोड़ का बजट मंजूर किया। 2018 में सूचना के अधिकार कानून से पता चला कि 4 साल में 20,000 करोड़ में से सिर्फ 6,011 करोड़ रुपए इस बजट के तहत रिलीज किए गए। इस रकम में से भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अथॉरिटी सिर्फ 4,322 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। 2018-19 के अंतरिम बजट में सरकार ने नमामि गंगे के तहत 2300 करोड़ रुपए मंजूर किए थे लेकिन सिर्फ 700 करोड़ रुपया ही इस्तेमाल हुआ। 13 जनवरी 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में कहा था कि मैली से निर्मल यमुना योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक यमुना को पूरी तरह साफ करने का आदेश दिया था लेकिन इसके आदेश का भी पालन नहीं हुआ और यमुना मैली की मैली रह गई। इस यमुना में कई जगह मैले गंदे और जहरीले नालों की शक्ल में गिरता है। फरीदाबाद का 70 किलोमीटर लंबा गौंछी नाला भी ऐसा ही है जिसका गंदा पानी अब तक कई लोगों की बीमारी और मौत की वजह बन चुका है। नाले के आसपास के लोगों का जीना मुश्किल है। सुशील महापात्र की ये रिपोर्ट देखिए जो अब इन दिनों टीवी पर ऐसी रिपोर्ट कम आती है। भनकपुर ग्राम पंचायत की ये जमीन कई सालों से बंजर पड़ी है। यहाँ कभी हरियाली हुआ करती थी, आज ये जमीन ना तो खेती के लायक है और ना इसे खरीदने के लिए कोई तैयार है। जमीन पर जो सफेद रंग के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, खारे पानी का नमक है। खारा पानी जमीन के पास बह रही गौंछी ड्रेन की वजह से है। कभी ड्रेन का पानी जमीन से नीचे हुआ करता था, समय के साथ ड्रेन मिट्टी और कूड़ा से भरता गया, ड्रेन की पानी का स्तर जमीन से ऊपर चला गया, जिसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं। अब ये जमीन हमेशा गीली रहती है। ये गौंछी ड्रेन है जी। अच्छा, पहले इसमें अच्छा पानी आता था, बंजर भूमि को सही करता था, मगर कुछ सालों से यहाँ पे प्रतापगढ़ में एक प्लांट बनाया हुआ है, इसमें से खाद निकाल लिया गया है और जो हमारी कृषि के योग्य पानी नहीं है वो केमिकल इसमें आ रहे हैं, जिससे कि हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। हर साल ही ना 1-2-4 एकड़ भूमि बंजर बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं, ये पूरा एरिया बिल्कुल फसल लहलहाती होती थी इसमें, और आज देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल नमक है। ये रूखड़ी खड़ी हुई है, ये ले जी, ये रूखड़ी है जिसको नून खड़ा बोलते हैं, नमक, इसको ऊँट खाता है। अच्छा, इसके अंदर नमक है, आप चखोगे तो इसमें नमक दिखाई देगा आपको। इसी ड्रेन में पिछले कई दशक से जहरीला काला पानी बह रहा है। फरीदाबाद के गौंछी इलाके से निकली ये ड्रेन 70 किलोमीटर सफर करने के बाद मथुरा के पास यमुना नदी में गिरती है। इस काले पानी को जहरीले बनाने में आसपास के उद्योग ही जिम्मेदार है। उद्योग से निकला केमिकल ड्रेन को जहरीले बनाते चला गया, सब ने देखा लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया। इस पानी से सिर्फ जमीन नहीं, आसपास के लोगों की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ा है। जहरीले पानी की वजह से लोगों को कई बीमारी हो रहा है, जिसमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी शामिल है। पहला केस नहीं है दरअसल, हमारे गांव में सबसे पहले 68 में मेरे दादाजी कैंसर से एक्सपायर हुए थे, होली फैमिली हॉस्पिटल और सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था 3 महीने, स्वर्गीय बुधराम सिंह जी नंबरदार। उसके बाद मेरे ताऊ जी अभी मेरे ही परिवार में जो एक्सपायर हुए हैं 10 अक्टूबर को, वो भी कैंसर से एक्सपायर हुए हैं। मेरे परिवार में एक और मेरे ताऊ जी थे बेदराम जी स्वर्गीय, वो भी अभी पिछले साल एक्सपायर हुए हैं कैंसर से। और अभी भी मेरे गांव में कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 10 या 15% अभी जो कैंसर के हैं मौजूदा हालात में अभी भी हैं फिलहाल, 10 और 15 जो डैमेज स्टेज पर जो चल रहे हैं, जिनकी कभी भी कोई भी जो लिख के दे रखा है। एक अभी मेरे मिलने वाले मेरे मित्र हैं करमवीर जी, उनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं कैंसर से, उनकी माता जी को कैंसर है, वो एम्स से चल रहा है उनका ऑपरेशन है लेकिन उनकी लास्ट स्टेज है, बचेंगी नहीं, एम्स में। मेरी भाभी को हुआ था, ब्लड कैंसर हुआ था। अच्छा, और हमारे गांव का पहले से ही पोसते नहीं, पानी बहुत गंदा पानी है, खारा पानी है जमीन के अंदर। हम तो पहले से ही बहुत दूर के पड़ोस के गांव का पानी पी रहे हैं, वो भी टाइम पर नहीं आता है, वो पानी भी गंदा पानी है। क्या हुआ भाभी, ठीक हो ही नहीं हो पाई? भाभी ठीक नहीं हो पाई, वो एक्सपायर हो गई। ये आपकी मम्मी हैं? जी सर, मेरी। क्या नाम उनकी? मम्मी का नाम कमलेश। आपके नाम? मेरा नाम लाडो। क्या हुआ था मम्मी को? मम्मी को कैंसर था। अच्छा, गले में? जी।
तो क्यों, मतलब जो लोग कह रहा है यहाँ पर पानी का असर है, तो क्या वो पानी का असर? जी हाँ, पानी खराब है यहाँ का। कितने साल तक ट्रीटमेंट चली? खूब 7-8 साल तक। 7-8 साल चला। अच्छा, कितने साल हो गए गुजरते हुए इनको? अभी 4-5 महीने हुए हैं। पानी की कमी है, ये पानी खराब है नाले का, इसमें से जो आते हैं कीटाणु, हाँ, और वो बच्चा के फैल जाते हैं उससे। क्या हुआ था आपकी? ब्लड कैंसर हो जाओ। किसका हुआ, किसको हुआ? लड़का का। कितने साल का था? हुआ मतलब 13 साल को। इस पानी का असर बच्चों से लेकर बूढ़ों के ऊपर है। बच्चों के बाल सफेद हो गए हैं, बालों में खुजली होती रहती है, फिर बाल उड़ जाते हैं। ये बाल तो व्हाइट दिखाई भी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप देखेंगे, ये आपके बाल पूरी तरह व्हाइट हो गया है क्या? हाँ यस। ये तो काला नजर आ रहा है। डाई करवा मतलब ब्लैक वो होती है ना मेहंदी। अच्छा, मेहंदी से आपने डाई कराया है। कितना उम्र है आपका? 15 साल। 15 साल। कितने सालों से डाई कर रहे हो? बहुत दिन हो गए मुझे तो करते जा रहा हूँ मैं तो। हाँ, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए डाई कर रहे हो। हाँ, मतलब 12-13 साल में तुम्हारे बाल ही व्हाइट हो गए थे। हाँ। तुम्हारे हैं और भी बच्चों के हैं गाँव के? और भी बहुत है। हाँ? बहुत है, बहुत बच्चे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? रोहित। रोहित, पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 8th में। हाँ, तो मतलब 5th 6th में जब पढ़ते थे तब तुम्हारे बाल जो है व्हाइट हो गए थे? यस। बाल तो जी मेरे उड़ गए हैं। पानी की वजह से? पानी की वजह से। पानी खुजली मारती है, बारों में बाल उड़ जाते हैं। इस पानी का असर लोगों के स्किन के ऊपर भी हो रहा है। खुजली होता है ये? नहर के पानी की वजह से। मेरे खेत में आज गए ना, हम खेती में धान नरा में लगा में जब खुजली हो जाता है, ये खुजली ये है जाती है। दे ये सब रे हाथ। अच्छा। हाँ, थोड़ी घनी देर जैसे काम करें ऐसे उनसे है जाती है। ये महिला जो आप देख रहे हैं वो मुझे कुछ बोलना तो चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। महिला ने किसी तरह अपने दर्द को मुझे बताया। क्या डॉक्टर क्या बोला है? इन्फेक्शन बता मैं क्या बताऊँ? इन्फेक्शन बोला है। कितने महीने से आवाज़ नहीं ठीक हो रही है? साल भर आएगी। साल भर हो गया? डॉक्टर बोला है कि इस पानी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है? साल भर से आप बात नहीं कर पा रही ठीक से? ऐसी आवाज आ रही है ऐसे ही? पहले ठीक बात करती थी सब? ये 70 साल की हरज्ञान रावत से मिलिए। कभी ये स्वस्थ हुआ करते थे, चलने से कोई दिक्कत नहीं थी। जहरीले पानी ने इनको भी बिस्तर पर ला दिया है। बार बार लकवा की वजह से अब चल नहीं पाते हैं। क्या हुआ है अब तो? ये लकवा है, लकवा लकवा मार रहे हैं। हाँ। कब से है बीमार आप? फिर भी ये लकवा 8-10 साल है। 8-10 साल हो गया। वो पानी जो है ना, जो नहर है, उस पानी का असर है क्या? ये पानी का असर तो है ही, पानी का असर तो बहुत काफी है। गांव में जो भी मिला वो नहर का शिकायत करने लगा। एक बुजुर्ग अपने घर दिखाने ले गए, खारा केमिकल पानी ने इनके घर को खराब कर दिया है। हमारे यहाँ पानी खारा है ना? हाँ हाँ। जमीन में खारा पानी है। हाँ। और ये अंदर देखो एक मिनट। हाँ आइए, क्या दिखा रहे हैं आप? घर का प्लास्टर टूट गया है। हर साल नया प्लास्टर करते तो हैं, लेकिन एक साल के अंदर खारा पानी प्लास्टर को खराब कर देता है। गांव के हर घर की यही कहानी है। इस गांव में समस्या तो बहुत है लेकिन दिखाने के लिए कोई नहीं आया। जो भी मिला यही कहा, मीडिया यहां आज तक आया ही नहीं। सर एक्चुअल में क्या है कि मैं सबसे पहली बार, एक तो NDTV मीडिया वाले हमारे बीच आए हैं और एक ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र उसके तरफ भी आप लोगों की नज़र है और एक सच का सारथी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। और पिछले मैं 5-7 सालों से देख रहा हूं, जब से आई थिंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कुछ मीडिया वाले एक पक्षीय बात रखते हैं और ये कड़वी बात है। अगर मैं इसको ना बोलूँगा तब भी लोगों के जनमानस के अंदर ये मौजूद है और NDTV सत्य के साथ है और NDTV से हमें भरोसा है कि अगर आप लोग आए हैं, आए आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग आए हैं सर तो मुझे लगता है कि हमारी समस्या अब जल्दी पहुंचेगी। बट कोई नहीं आया 5-7 साल। नहीं आया सर, ये आप पहली बार आए हैं? आपका कोई नहीं गाँव में? आप पहली बार आए हैं, इससे पहले कोई नहीं आया मीडिया वाला यहाँ?
लोगों ने गांव में बने हेल्थ सेंटर दिखाने ले गए। पिछले 15 सालों से यह सेंटर बंद है। छोटे मोटे बीमारी के लिए भी गांव के लोगों को 15 किलोमीटर सफर करके दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ कुछ है ही नहीं। ये बना हुआ था गांव के डिस्पेंसरी, लेकिन ये पूरी तरह बंद है। तो जब हम वो शूट कर रहे थे तो लोगों ने हमको ये दिखाने के लिए ले आए हैं और इनका कहना है कि गांव में और आसपास में कोई डिस्पेंसरी नहीं है और उनको दूर जाना पड़ता है। आप आइए, क्या कह रहे थे, ये कब से बंद है बताइए, कब से बंद है ये? सर ये 15 साल हो गया लगभग इसे। हमने पंचायत को भी बोला है, हमारे गांव में अस्पताल के नाम पर डिस्पेंसरी खुली हुई है। छोटे लोगों को छोटे इलाज के लिए सिकरिया बल्लंगड़ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 10 किलोमीटर पड़ता है जी बल्लंगड़ गाँव। स्टोरी कवर करने के बाद मैं खुद कुछ एहसास महसूस कर रहा था। जहरीले पानी की वजह से मेरी आंखों में जलन होने लगी थी। लोगों की आवाज़ मुझे विचलित कर रही थी। मैं ये भी सोच रहा था दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इन गांव के लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री या पर्यावरण मंत्री के ऑफिस तक कैसे पहुंच नहीं पाई। इसका एक ही जवाब है, ना तो नेता आपकी समस्या को लेकर गंभीर है, ना मीडिया। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।